व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आपका। गाइस जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, कल सैमसंग का इवेंट था 2022 का। सैमसंग ने उसने 4 प्रोडक्ट बिल्कुल लाजवाब लॉन्च किए हैं, बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। सैमसंग के बर्ड्स लॉन्च हुए हैं, साथ साथ में जो है सैमसंग की वॉच लॉन्च हुई है 5 प्रो और 5, और एक स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है फ्लिप, सैमसंग गैलेक्सी फ्लिप 4, और साथ साथ में सैमसंग G Fold 4। सैमसंग G Fold 4 के आज आपसे बारे में बात करने वाले, क्योंकि यही प्रोडक्ट सबसे ज्यादा यूनिक प्रोडक्ट है सैमसंग की तरफ से। कुछ आसान भाषा में आपको हम समझाएंगे जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाए। इसलिए मेरी वीडियो को लेकर शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए गाइस, और साथ साथ में चैनल जाके अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिए, फोड़ दीजिए उस बटन को जिससे वो ग्रे हो जाए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ तो गाइस, बात कर लीजिए आपसे सैमसंग गैलेक्सी G Fold 4 स्मार्टफोन की। पहले तो आपको बता दूं, ये स्मार्टफोन 3 कलर में आता है गाइस। जो 3 कलर है गाइस, इसमें है ग्रे, ग्रीन, फैंटम ब्लैक और बेज। ये 3 स्मार्टफोन्स कलर में स्मार्टफोन आता है। दूसरी चीज गाइस, ये जनरेशन 4 है सैमसंग गैलेक्सी G Fold 4 स्मार्टफोन। अभी तक कोई अदर कंपनी की बात करें, यहां तक कि एप्पल आईफोन्स की बात करी जाए, उनकी पहली सीरीज का फोल्ड फोन नहीं आ पाया है। और सैमसंग ऑलरेडी गाइस 4th जनरेशन पे पहुंच चुका है अपने स्मार्टफोन फोल्ड सीरीज के और फ्लिप सीरीज के स्मार्टफोन्स में। तो गाइस, सैमसंग इतनी ज्यादा बेस्ट नेक्स्ट लेवल की R&D करता है कि अपने 4th जनरेशन में पहुंचने का उसका रीजन क्या है, आपको मैं समझाना चाहूंगा गाइस। जैसे कि आप सभी को पता है, सैमसंग की जो टेक्नोलॉजी है फोल्ड सीरीज की, वो पूरा सॉफ्टवेयर और साथ साथ में हिंज टेक्नोलॉजी का उसमें यूज किया गया है। मतलब मैन्युअली और सॉफ्टवेयर सिस्टम दोनों का बिल्कुल ताबड़तोड़ यूज किया गया है उसमें। आपको मैं आसान भाषा में इसको समझाता हूं। जैसे कि आपको मैं बता देता हूं कि ये सैमसंग जो गैलेक्सी स्मार्ट G Fold 4 है, ये आर्मर एल्युमिनियम बेस स्मार्टफोन, इसमें जो मेटल यूज किया गया है इसके हिसाब से स्मार्टफोन को और ज्यादा हल्का और ज्यादा ड्यूरेबिलिटी करी गई है। और भी कई सारी नई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। जैसे कि आप जब स्मार्टफोन्स को खोलते हो ऐसे, तो उसमें सॉफ्टवेयर के हिसाब से वो पूरी स्क्रीन में जो डिस्प्ले है पूरी स्क्रीन उसमें आ जाती है। साथ साथ उसमें मैनुअल सिस्टम यूज होता है, वो है हिंज सिस्टम। हिंज सिस्टम क्या होता है आपको बता दूं, पहले स्मार्टफोन में जो हिंज आप खोलते हो तो पीछे उसमें की कंपोनेंट्स लगे होते हैं जो स्मार्टफोन को खोलते हैं और बंद करते हैं। जैसे आपने खोला इतने पर रोक दिया तो यहीं पे स्मार्टफोन रुका रहेगा, तो उससे की कंपोनेंट्स आपस में यूज होते थे। जैसे कि आपको मेरा हैंड दिख रहा होगा, या फिर आप डिस्प्ले में मतलब जो वीडियो में दिखा रहा हूं उसमें भी देख सकते हो, की कंपोनेंट के हिसाब से स्मार्टफोन को उसकी जगह पर रोका जाता था। लेकिन स्मार्टफोन को इस की कंपोनेंट को और ज्यादा ड्यूरेबल करना था, और ज्यादा स्ट्रांग करना था, प्लस में हल्का भी करना था, तो इस बार स्मार्टफोन में गाइस इंटरलॉकिंग सिस्टम यूज किया गया, इंटरलॉकिंग कंपोनेंट्स का यूज किया गया, जिससे स्मार्टफोन थोड़ा सा और ज्यादा हल्का हो गया, ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ गई और स्ट्रॉन्गनेस भी उसकी बढ़ गई। इस तरीके से उसमें कंपोनेंट्स के और नई तरीके से टेक्नोलॉजी और R&D यूज करी गई है इस बार G Fold 4 स्मार्टफोन में। साथ साथ में अगर डिस्प्ले की बात करिए तो गाइस, डिस्प्ले में बहुत सारी मल्टी लेयर्स ऑफ डिस्प्ले गाइस यूज होती है। सपोर्टिंग द डिस्प्ले प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें आखिरी में एक मेटल लेयर यूज करी जाती है। मेटल लेयर क्या करती है, उसकी जो डिस्प्ले होती है उसको सपोर्ट देती है, साथ साथ में ड्यूरेबिलिटी उसकी बढ़ाती है। तो मेटल लेयर के मारे स्मार्टफोन थोड़ा सा ज्यादा भारी हो जा रहा था, तो इस बार क्या किया गया है, सैमसंग ने क्या किया, मेटल लेयर को हटा दिया गया है और FRP यूज किया गया है, फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक सिस्टम का यूज किया गया है। आपको बता देता हूं, ये FRP फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक जो सिस्टम है गाइस, ये ऑलरेडी एयरक्राफ्ट या फिर बड़ी बड़ी प्रीमियम कार्स में ये सिस्टम यूज, मतलब ये इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, ये प्लास्टिक यूज करी जाती है, जिससे उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है और हल्का भी हो जाता है उससे। यही सेम चीज इस बार इस स्मार्टफोन में यूज करी गई है, जिससे उसके वेट को घटाया जा सके और उसकी ड्यूरेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया जा सके। यही नहीं गाइस, उसमें डैम्पिंग स्ट्रक्चर विथ शॉकनेस सिस्टम दिया गया है, जिससे उसकी जो डिस्प्ले होती है जब खुलती बंद होती है, तो उसकी जो शॉकनेस है, उसकी जो शॉक मिलता है उसके डिस्प्ले को, उसको और ज्यादा कम किया गया है। तो उसकी जो शॉकनेस की जो रबर्स होती है समझ लीजिए, उसको बढ़ाया नहीं गया है, उसकी अपग्रेडेबल सिस्टम यूज किया गया उसमें, जिससे उसकी जो शॉकनेस है और ज्यादा बढ़ जाए, और ज्यादा लाइट हो जाए और स्ट्रांगनेस और ज्यादा बढ़ जाए। अब आखिरी में एक चीज बताना चाहेंगे कि इतनी सारी चीजें तो आपको बता दी, लेकिन प्राइसिंग क्या है इतने सारे इतने बढ़िया स्मार्टफोन की, तो आपको बताना चाहूंगा, अगर आप बेस वेरिएंट खरीदते हो इंडिया में तो मेरे ख्याल से आपको 1,45,000 रुपीज से शुरू होगा इंडिया में इसकी प्राइसिंग, मेरे ख्याल से यही होने वाली है। साथ साथ में आपको इसमें एक एस पेन भी मिल रहा है, एस पेन वही पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करी गई, लेकिन एक और ज्यादा अपग्रेडेबल सिस्टम के हिसाब से। अब बढ़ते हैं गाइस आगे। अब गाइस आपको एक चीज और बताना चाहेंगे, इस स्मार्टफोन में प्रोसेसर SoC की बात करेंगे या फिर एंड्रॉइड के सिस्टम की बात करी जाए। एंड्रॉइड सिस्टम की बात करी जाए तो आपको इसमें एंड्रॉइड 12L मिल रहा है, साथ साथ में आपको इसमें One UI 4 मिल रहा है। सैमसंग कहता है कि हम आपको 5 साल की सिक्योरिटी अपडेट और 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट देने वाले, जो कि एक नेक्स्ट लेवल की बात है। और इसमें जो SoC यूज किया गया सिस्टम ऑन चिप, वो 8+ Gen 1 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर यूज किया गया है, जो कि 4nm बेस्ड प्रोसेसर है, जो आपके स्मार्टफोन की बैटरी को भी बहुत ज्यादा कम यूज करेगा। और जानते हैं गाइस ये प्रोसेसर कितना ज्यादा लाजवाब प्रोसेसर है, बहुत कम हीटिंग होती है गाइस इस वाले प्रोसेसर में, साथ साथ में उसकी ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस एक नेक्स्ट लेवल की है। तो सैमसंग ने इस बार ये अच्छा किया है, एक्सिनोस नहीं यूज किया, उसने अपना
स्नैपड्रैगन का क्वालकॉम का प्रोसेसर यूज किया गया है 8+ Gen 1 और सबसे ज्यादा लेटेस्ट और सबसे ज्यादा अच्छा प्रोसेसर है इस समय स्नैपड्रैगन कंपनी की तरफ से। अगर अंतिम स्कोर की बात करी जाए तो अभी तक 1 मिलियन पार ही हो रहा है जिस भी कंपनी का स्मार्टफोन की बात करें तो इसमें मेरे ख्याल से 1 मिलियन पार हो जाएगा क्योंकि सैमसंग की जो 1 UI 4 है वो नेक्स्ट लेवल की है। अगर मैं बात करूं अगर UI की तो मुझे सबसे नंबर 1 UI लगती है 1 UI। मेरे ख्याल से मुझे को नहीं, कोई भी अगर सैमसंग फोन यूज करता है प्रीमियम लेवल पे तो उसको 1 UI 4 या 1 UI 3 भी यूज कर रहा होगा तो उसको नेक्स्ट लेवल की ही लगेगी। ये रहा उसका प्रोसेसर, ये रही उसकी परफॉर्मेंस जो मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस आपको मजा आने वाला है जब आप स्मार्टफोन को जब कैमरा को भी यूज करोगे या फिर उसमें गेमिंग करोगे, कुछ भी टाइप के मल्टीटास्किंग सिस्टम करोगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा क्योंकि उसने इस बार सैमसंग ने कई सारी कंपनीज के साथ और ज्यादा ऑर्गेनाइज किया गया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के साथ, स्पॉटिफाई के साथ, नेटफ्लिक्स के साथ, यही नहीं गाइस गूगल के साथ नेक्स्ट लेवल का काम किया गया जिससे फोल्ड भी, अगर आप फोल्ड करते हो स्मार्टफोन को, फोल्ड को खोलते हो तो आपको और ज्यादा प्रीमियम सिस्टम यूज होने में पता चले आपको। गाइस आपसे थोड़ी कैमरा की बात करना चाहेंगे। इस स्मार्टफोन में आपको 3 जगहों पे कैमरा मिलता है क्योंकि मेन कैमरा जो मेन बैक कैमरा होता है, साथ साथ में जो आपको कवर कैमरा है और साथ साथ में आपका फ्रंट कैमरा। फ्रंट कैमरा मतलब आप जब स्मार्टफोन को खोलोगे तो उसको फ्रंट कैमरा बोला गया है जो कि 4 मेगापिक्सल का है। जो कवर कैमरा है गाइस वो 10 मेगापिक्सल का है और जो मेन कैमरा है गाइस वो है 12 मेगापिक्सल प्लस में 10 मेगापिक्सल प्लस में 50 मेगापिक्सल। इस बार अगर मेन बैक कैमरा की बात करी जाए तो उसमें आपको 8K रिकॉर्डिंग भी मिल रही है जो कि 24 FPS तक आप यूज़ कर सकते हो। 4K रिकॉर्डिंग आप 60 FPS तक मैक्सिमम कर सकते हो उसमें और 1080p में आप 60 FPS तक कर सकते हो। स्लो मोशन भी आपको 960 FPS तक मिल रहा है जो कि 720p में कर सकते हो। मेन आपको नाइट मोशन एक्रीनेशन सिस्टम मिल रहा है जिससे आप नाइट में एक नेक्स्ट लेवल की फोटोग्राफी कर सकते हो। गाइस बहुत ज़्यादा अच्छी फोटोग्राफी सैमसंग के फोन में ऑलरेडी होती आ रही थी, इसमें और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का एडवांसमेंट सिस्टम यूज किया गया। साथ साथ में आपको बताना चाहूंगा जो फ्रंट कैमरा है गाइस उसमें आपको अंडर डिस्प्ले कैमरा मिल रहा है जिससे आप ओपन करोगे जैसे ही फोल्ड फोन को वो डिस्प्ले के अंदर यूज किया गया। पिछली बार भी ये टेक्नोलॉजी यूज की गई थी लेकिन इस बार जो पिक्सल्स है गाइस उसको कैरनेटेड सिस्टम यूज किया गया जिससे पिक्सल और ज्यादा कंबाइन हो चुके हैं आपस में जिससे आपको और अच्छी फोटो मिले। वीडियो कॉलिंग के समय भी आपको नेक्स्ट लेवल का मजा आए। दूसरी चीज गाइस बात करी जाए कैमरे की तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो OIS डुअल OIS सिस्टम मिलता है जिससे ड्यूरेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, आप शेकिंगनेस उसकी बिल्कुल खत्म हो जाती है। आप दौड़ते हो स्मार्टफोन को लेकर के जब मतलब जैसे व्लॉगिंग वॉगिंग करना चाह रहे हो तो अच्छी तरीके से व्लॉगिंग कर पाओगे। अल्ट्रा वाइड कैमरा को और ज्यादा अच्छा यूज किया गया है, 125 डिग्री तक आप अल्ट्रा वाइड कर सकते हो और अभी इस चीज का कंफर्मेशन नहीं है कि और कितने ज्यादा अच्छी तरीके से यूज हो सकता है, अभी मुझे कंफर्म नहीं हो पाया लेकिन अल्ट्रा वाइड तब भी बहुत ज्यादा अच्छा यूज किया गया है इसमें मुझे पता है। 8K रिकॉर्डिंग तो आप 24 FPS कर सकते हो, बहुत कमी लोग ऐसे होंगे जो 8K रिकॉर्डिंग करेंगे। वैसे अगर 4K रिकॉर्डिंग की भी बात करी जाए तो ये अच्छी चीज है कि 60 FPS तक 4K रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो रियर कैमरा में। सबसे अच्छी चीज गाइस मुझे कैमरा की ये लगती है कि जो मेन उसका जो कवर डिस्प्ले है, कवर डिस्प्ले में आप मेन बैक कैमरा से क्योंकि कवर डिस्प्ले जब ऐसे खोल लोगे इस तरीके से तो यहां पे कैमरा लगा है, ये आपकी डिस्प्ले है ठीक है, तो आप उस तरीके से मेन कवर मेन कैमरा से आप उसमें सेल्फी ले सकते हो जो कि आपकी सेल्फी समझ लीजिए कितनी अच्छी होने वाली है। अब आपसे बैटरी की भी बात कर लीजिए गैस तो आपको 4400 mAh की बैटरी मिलेगी जो कि एक अच्छी बैटरी आप सोच रहे होगे और ज़्यादा बड़ी बैटरी देनी चाहिए थी लेकिन गैस इस टेक्नोलॉजी में इतने ज़्यादा कंपोनेंट्स का यूज़ किया गया कि इतनी बड़ी बैटरी को लगाना ही बहुत ज़्यादा अपने आप में मुश्किल था। लेकिन गैस एक और ज़्यादा ख़राब चीज़ मुझे लगी गैस कि इसमें आपको चार्जर इंक्लूडेड नहीं मिलता। हालांकि आप 25 वॉट का चार्जर खरीद सकते हो, सैमसंग उसको कह रहा है सुपर फास्ट चार्जर है, वो सुपर फास्ट चार्जर किनारे रखो, आप चार्जर तो आपको देना चाहिए था यार। आप 1,45,000 स्मार्टफोन को खरीदने की बात कर रहे हो और आप एक 1,500 या 2,000 रुपये का चार्जर नहीं डाल रहे, ये बहुत ज़्यादा खराब चीज़ लगती है। हालांकि आपको जो है आपको अंदर बॉक्स में डिस्प्ले मतलब स्मार्टफोन और साथ साथ में आपको केबल तो मिल ही रही है और साथ में हमने सिम इजेक्टर टूल मिल रहा है, इस 3 चीज के अलावा कुछ नहीं मिला। बाकी आपको बैटरी अच्छी दी गई है, चार्जर देना चाहिए था, मुझे एक बहुत ज्यादा खराब चीज लगी। वैसे अगर गाइस आपसे फाइनली बात करी जाए तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा R&D करता है सैमसंग, इसीलिए बहुत ज़्यादा कम गलतियाँ ढूंढने में मिलती है सैमसंग के स्मार्टफोन्स में। ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो सैमसंग ने छोड़ा हो कि हाँ यार यहाँ पे एक कमी थी, ये चीज़ पूरी करनी चाहिए थी सिवाय चार्जर के, चार्जर जरूर देना चाहिए था बॉक्स के अंदर। बाकी और किसी भी चीज़ की बात करी जाए, डिस्प्ले की बात करी जाए गाइस, या हिंज की बात करी जाए, कैमरा की बात करी जाए, परफॉर्मेंस की बात करी जाए, किसी भी चीज़ में सैमसंग ने पर कमी नहीं छोड़ी। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है 8+ Gen 1 प्रोसेसर का यूज़ किया गया, ये नहीं कि अपना Exynos उसमें जबरदस्ती दिया हो। Exynos उसका हालांकि कभी अच्छा होगा तो डालेगा उसमें लेकिन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि 8+ Gen 1 प्रोसेसर का यूज किया गया है। दूसरी चीज गाइस आपसे बोलना चाहूंगा कि स्मार्टफोन को यूज करने में जो आपको प्रीमियमनेस यूज होने वाली है, एप्पल का iPhone 14 आने वाला है नेक्स्ट मंथ। मेरे ख्याल से यार आप एप्पल iPhone 14 को एक हाथ में आदमी लिया, उसकी ब्रांड वैल्यू हालांकि बहुत ज्यादा लेकिन जब आप फ्लिप करते ही या फोल्ड करते ही स्मार्टफोन को यूज करोगे यार
वो जो प्रीमियमनेस पब्लिक को पब्लिक फील्ड में आपको आने वाली है वो मेरे ख्याल से आईफोन में भी नहीं आएगी। एक बार पब्लिक आपको जरूर देखेगी, क्योंकि एप्पल वालों को हम लोग दूर से देख लेते हैं कि हाँ आईफोन यूज़ कर रहा है, लेकिन जो फोल्ड फोन यूज़ कर रहा होगा गाइस उसको देखते ही रह जाते हैं, अपनी नज़र हटाने का मन ही नहीं करता। इस तरीके का ये फोल्ड सीरीज का अच्छा प्रीमियम फोन जो सैमसंग लॉन्च कर चुका है। अब गाइस आपको ये स्मार्टफोन खरीदना है तो प्री ऑर्डर भी कर सकते हैं इस स्मार्टफोन को। आपको बोला जा रहा है सैमसंग तरफ से 5000 प्लस गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं, 5000 रुपीज़ के आपको अच्छे गिफ्ट मिल सकते हैं। लिंक आपको मैं डाल दूंगा अगर मुझे लिंक मिलती है खरीदने के लिए इस स्मार्टफोन को। बाकी दूसरी चीज गाइस, अभी ये स्मार्टफोन 26 ऑफ अगस्त से आपके लिए ऑनलाइन आपको खरीद सकते हो। इससे मुझे दीजिए गाइस इजाजत, और किसी चीज से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए कमेंट में कर दीजिएगा, और स्मार्टफोन से रिलेटेड आपको और वीडियो चाहिए तब भी आप कमेंट कर दीजिएगा। आसान भाषा में गाइस हमने आपको समझाया, तो आसान तरीके से जाकर चैनल जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।